Morning student, how are you all? I hope you all are good and well at home. Please student, purchase your book. Say this is your book. The Smart Grammar Class 8. ये आपके Smart Grammar Class 8 की book है, तो आप books खरीद लें. आप senior classes में आ गए हैं, तो आपको book के साथ पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. And ये मेरी आपसे request है कि आप देख सकते हैं चैप्टर 1 और 2 मैंने कंप्लीट करा दिया है. आपका ये चैप्टर 3 है. क्लॉजेज ये मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है. तो आप बुक्स जितना लेट खरीदेंगे उतना ही आपका लॉस होगा. तो इस माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक. और यस्टरडे आई टॉट यू एडजेक्टिव क्लॉज. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एडवर्ब क्लॉज. ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एडवर्ब क्लॉज. तो एडवर्ब क्लॉज क्या होते हैं उसको हम समझेंगे सबसे पहले. ठीक, तो एक बार हम फास्ट रिवीजन करते हैं क्लॉज क्या होते हैं, देन मैं उसके बाद आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी कि एडवर्ब ऑफ क्लॉज क्या होते हैं. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्ट एज अ पार्ट ऑफ स्पीच इन एक्ट्स एज अ नाउन an adjective or an adverb and convey some sense. It may or may not stand alone. Two, for a complete sense or to convey a complete thought. It has a subject and a verb. तो ये आपको रिकॉल हो गया होगा कि आपका क्लॉज क्या होता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें एडवर्ब एंड एडजेक्टिव्स होते हैं, नाउन होते हैं. ये एक कंप्लीट सेंस के साथ आता है, इसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, इसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब भी होते हैं. तो इतना आपको आई होप क्लियर हो गया होगा. अब चलते हैं, आपका मेन टॉपिक है वो है एडवर्ब ऑफ क्लॉज. तो वो क्या होता है मैं उसको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ. उससे पहले मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करती हूँ हमेशा. तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल के साथ आपको स्टार्ट करती हूँ एडवर्ब ऑफ क्लॉज क्या होते हैं. एट सनसेट ही रिटर्न होम. एट सनसेट ही रिटर्न होम. In this sentence, at sunset is an adverb phrase because it is describing the phrase verb return. The phrase is liking a verb of time. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं at sunset he returned home. ये एक adverb of phrase है. क्यों? क्योंकि मैंने बताया है इट इज़ डिस्क्राइबिंग द फ्रेज वर्ब. ये डिस्क्राइब कर रहा है फ्रेज किसके बारे में, वर्ब के बारे में. वर्ब क्या है? रिटर्न. इन द फ्रेज इज़ लाइकिंग अ वर्ब ऑफ टाइम. और ये एक वर्ब ऑफ टाइम की तरह कार्य कर रहा है. बट इफ आई रिटर्न द सेंटेंस एज व्हेन द सनसेट ही रिटर्न होम. इफ आई रिटर्न द सेंटेंस व्हेन द सनसेट ही रिटर्न द होम. तो अगर हम इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से रिटर्न लिखें तो ये क्या होगा? व्हेन द सनसेट ही रिटर्न होम, मतलब एक दूसरी तरीके से इसको मैं लिख रही हूँ तो ये क्या हुआ? आई विल कन्वे द सेम मीनिंग. मैं यहाँ पे सेम मीनिंग ही बता रही हूँ. बट इन दिस केस इंस्टेड ऑफ द फ्रेज As sunset, I have used the group of word when the sunset. This group of word has a sentence and a verb, and it start with the subordinating conjunction when. So, or subordinating conjunction when. So this is a dependent clause, and this dependent clause acting as a adverb because this clause when the sunset is describing the verb return in the main clause. I hope
आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ. When the sun set, he returned home. अगर मैं इस सेंटेंस को इस तरीके से लिखूँ तो ये क्या होगा. इंस्टेड ऑफ फ्रेज As sunset, I have using the group of word. मैंने यहाँ पे क्या क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को यूज़ किया. When the sun set, this group of word has a subject and a verb. ये क्या एक subject and verb है इसमें. And start with the subordinate conjunction. और ये किससे start हो रहा है. ये subordinate conjunction से start हो रहा है. When so this is a dependent clause and this dependent clause acting as a adverb. ये कैसे एक्टिंग कर रहा है. एडवर्ब बिकॉज दिस क्लॉज व्हेन द सनसेट इज डिस्क्राइबिंग द वर्ब रिटर्न इन द मेन क्लॉज. ये मेन क्लॉज में रिटर्न डिस्क्राइब कर रहा है वर्ब रिटर्न को. तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब मैं इसको एक बार आपको हिंदी में समझाऊंगी ताकि आपके चीज़ें जो थोड़ी इधर उधर होंगी तो और क्लियर हो जाएंगी. एडवर्ब क्लॉज एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है. ओके जो प्रिंसिपल क्लॉज में वर्ब एडवर्ब एंड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. एडवर्ब क्लॉज एक क्या है सबऑर्डिनेट क्लॉज है. इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं इसमें वर्ब एडवर्ब एंड एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है. उसकी विशेषता बताता है तथा ये मतलब कि उसके बारे में बताता है कि क्या है. एंड ये सेंटेंस में एडवर्ब की तरह ही सेम कार्य करता है. मतलब उसमें सेम एडवर्ब की तरह वर्क करता रहता है एडवर्ब ऑफ क्लॉज में. एडवर्ब ऑफ क्लॉज का यूज़ कैसे किया जाता है. इसका यूज़ तब किया जाता है जब दो सेंटेंस में दिए गए सेंटेंस मतलब दो सेंटेंस या दोनों सेंटेंस में दिए गए आपस में किसी टाइम की बात हो रही हो किसी प्लेस की बात हो रही हो किसी कंडीशंस की बात हो रही है या फिर किसी कंपैरिजन की बात हो रही है. तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं एडवर्ब ऑफ क्लॉसेस के यूज़ होते हैं. और यूज़ में क्या क्या आते हैं आपके हर जगह अलग अलग यूज़ आते हैं. जैसे कि आप पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम देन आपका है एडवर्ब ऑफ प्लेस एडवर्ब ऑफ मैनर. तो जब हम किसी भी जगह पे जब एडवर्ब के बारे में टाइम के बारे में बात करेंगे तो आपको मालूम है उसमें क्या क्या यूज़ होंगे. बट अभी हम एडवर्ब बता रहे हैं. जब हम सेंटेंस दिए गए दो सेंटेंस में किसी जगह के बारे में बात हो रही हो किसी प्लेस के बारे में बात हो रही हो किसी शर्त मतलब शर्त जो होते हैं उसके बारे में बात हो रही है या फिर किसी दो कंपैरिजन के बारे में बात हो रही है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे एडवर्ब ऑफ क्लॉज का यूज़ करेंगे. और आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि एडवर्ब ऑफ क्लॉज क्या है. ठीक है. एंड सेकेंड एडवर्ब अब हम ऐसे ही आपके टॉपिक पे आते हैं. क्या एडवर्ब ऑफ टाइम जो आपकी बुक में दिया है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसमें एडवर्ब ऑफ क्लॉज बनता है. ये आपका मेन वो है तो आप इसको याद रखिएगा स्टूडेंट. ये आपका सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जिसमें एडवर्ब क्लॉज बनता है. एडवर्ब ऑफ एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. ओके तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम में सेंटेंस में हम किसकी तरफ ध्यान देते हैं समय की ओर. मतलब कि हमारा जो टाइम में हम क्या करेंगे जाहिर सी बात हमारे कोई भी सेंटेंस होगा तो हम उसकी समय के बारे में ही बात करेंगे. क्यों क्योंकि बिकॉज ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. तो इसमें जब हम किसी टाइम के बारे में बात करेंगे तो वो क्या क्या होंगे. जैसे कि सबसे पहले तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे से स्टार्ट होंगे. ठीक. एग्जाम्पल लाइक व्हेन व्हाइल अनटिल टिल आफ्टर सिंस ये सारी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम में. एज एज सून एज बिफोर देन व्हेनेवर ये सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे. अब मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर करती हूँ. आई गेट अप बिफोर द सन राइज. सूर्य मतलब क्या हुआ सूर्य उदय होने से पहले मैं जगता हूँ. आई गेट अप बिफोर द सनराइज. सूर्य उदय होने से पहले मैं जगता हूँ उससे पहले. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है किसी से पहले मतलब कि टाइम की तो बात हुई. तो यहाँ पे ये क्या है बिफोर द सन राइजेज ये क्या है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है.
एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम एक समय के बारे में बात कर रहे हैं. सेकंड है आपका एग्जांपल ऐसे, फाइव हॉर्सेज हैव पास सिंस ही बिगन द वर्क. उसने जब से कार्य आरंभ किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं. सॉरी आवर्स है, 5 आवर्स हैव पास सिंस ही बिगन द वर्क मीन्स जब उसने जब से काम स्टार्ट किया तब से 5 घंटे बीत चुके हैं. तो यहाँ पे सिंस बिगन द वर्क इज एडवर्ब ऑफ टाइम. आई होप आपको समझ में आ गया होगा टुडे मैंने आपको क्या पढ़ाया. कल अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगी. एंड ये आपका होमवर्क है कि वीडियो देख के आप इसको रिविजन कर लें. प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक. थैंक यू.